राइस एक्सपो व्यापार मेला का आयोजन 12 अप्रैल से शहर के चंपा देवी पार्क में किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में राइस मिलों के मशीनरी पार्ट्स का व्यापक प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा। साथ ही देश विदेश की मल्टीनेशनल कंपनियां भी राइस एक्सपो में भाग ले रही हैं। राइस एक्सपो 12, 13 और 14 अप्रैल तक चंपा देवी पार्क में चलेगा। एक्सपो का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह 12 अप्रैल को 11 बजे करेंगे। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के राइस मिलर भी मौजूद रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्वांचल राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा ने बताया। ये गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में 12-13 अप्रैल को राइस एक्सपो का एक व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। उस मेले में देश विदेश की कंपनियां आ रही हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की पैदावार ज़्यादा है और यहां राइस मिलों की कमी है। क्योंकि सरकार जो धान खरीदती है उसकी भी कुटाई की समस्या होती है और जो अच्छे काश्तकार हैं, जो अच्छे धान पैदा करते हैं, उनकी भी बिक्री नहीं हो पाती। उस दृष्टिकोण से हम लोग इस देश से मल्टीनेशनल कंपनियों का आयोजन, मेले का आयोजन गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में करा रहे हैं, जिसमें लेटेस्ट मशीनों का और जो आधुनिक तकनीक है, कम लागत में व्यापारियों को अच्छा लाभ हो, किसानों का जो उत्पाद है, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, अच्छे रेट में बिके, इसके लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। इस ये बंगलौर से आ रहे हैं, टर्की से आ रहे हैं और आपका नागपुर से आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं, चाइना है, टर्की है, इन विभिन्न जगहों से ये लोग स्टॉल लगा रहे हैं और इस मेले का आयोजन किया गया है। मेले का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक राइस मिल पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित हो, जिससे राइस मिल का जो कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा मिल सके। मुख्य अतिथि हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी हैं, जो कल उसका उद्घाटन करेंगे 11 बजे।